हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिमेट्री ऑफ द फ्लावर, कि फ्लावर में कौन कौन सी सिमेट्री होती है, और इसमें हम ट्रिक करेंगे जिससे आपको क्या होगा, इजी लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लावर क्या है बेसिकली, फ्लावर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्लावर क्या होता है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, और इसमें जो इंटर नोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। और ये करेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, एंजियोस्पर्म्स का। प्लांट किंगडम में हमने स्टडी किया है एंजियोस्पर्म का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, वो क्या करता है, फ्लावर को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये मैं दो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम और करेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, एंजियोस्पर्म का। उसके बाद जो फ्लावर्स में सिमेट्री आती है, ठीक है, तो एनिमल किंगडम में भी हमने स्टडी किया है रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। सिमिलरली हम यहाँ पे भी देखेंगे कि जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, जो थैलमस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के वर्ल्ड प्रेजेंट हैं, उनमें क्या सिमेट्री है कि नहीं है। अगर सिमेट्री है तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट सिमेट्री कौन सी आती है, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक को और क्या बोलते हैं हम, बायलेटरल सिमेट्री। ये हमें याद रखना है, बायलेटरल सिमेट्री। और बायलेटरल सिमेट्री हम जानते हैं क्या होती है, कि एक फ्लावर को हम इक्वल पार्ट में पास डिवाइड करते हैं, और सिंगल प्लेन से, वो सिंगल प्लेन से ही क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो हमने यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिया, एक फ्लावर है, तो वहां पे यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर हम इसको ऐसे काटेंगे, ठीक है, इस प्लेन से, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। बट अगर हम इसको इसी प्लेन से, जैसे मैंने हमने कट किया यहाँ पे ब्लैक पेन से शो किया, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, जब हम फैमिलीज की स्टडी करेंगे तो यहाँ पे ये परसेंटेज का सिंबल आएगा जाइगोमॉर्फिक में, और कभी कभी इसको प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें याद रखना है कि अगर हम जो फैमिलीज की स्टडी करेंगे, तो फेबियसी जो फर्स्ट फैमिली है, ठीक है, एनसीईआरटी में जो मेंशन है फैबियसी, और फैबियसी में कौन कौन सी सब फैमिली कौन सी है, लेग्यूमिनेसी, ठीक है, तो उनमें कौन सी होती है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। ये मैं याद रखना है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। और इसका भी हम ट्रिक करेंगे, इसमें एग्जाम्पल कौन सी है, पी बीन केशिया और गुलमोहर, ट्रिक करेंगे इसका, देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड टाइप कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री क्या होती है, जो सेंटर से पास करती है, ठीक है, ऐसी प्लेन्स जो सेंटर से पास करे, कोई भी प्लेन हो, ठीक है, बट वो सेंटर से पास करनी चाहिए और इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए उसको, फ्लावर को, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं, चिली आती है, दतूरा आता है, और मस्टर्ड। और इसको जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए टू प्लेन्स हमने पास किए हैं, और ये क्या कर रही हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, जिस मर्जी प्लेन से आप इसको कट करो। और इसमें जो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये देखिए प्लस है और उसको सर्कल किया है। और जो सोलनेसी और लिलियसी फैमिली है, उनमें क्या होता है, ये एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ये हमें याद रखना है। और उसके बाद हमें क्या याद रखना है, असिमेट्रिक, जिनमें ऐसे फ्लावर्स भी कुछ होते हैं, ऐसे वर्ल्ड्स भी कुछ होते हैं फ्लावर में, जिनमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, उनको क्या कहते हैं हम, असिमेट्रिक, ठीक है, और असिमेट्रिक, और उनको क्या कहते हैं, इररेगुलर भी कहते हैं, ठीक है, इररेगुलर। और इसमें अगर कोई भी प्लेन, हम वर्टिकल प्लेन कोई भी पास करेंगे, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। और इसमें जो एग्जांपल्स आती हैं, जो टू एग्जांपल्स हैं, कैना और ओपंचिया। कैना और ओपंचिया कौन सी सिमेट्री करते हैं, शो इररेगुलर सिमेट्री शो करते हैं। और यहाँ पे हमने सिंपल डायग्राम ड्रा किया है, यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे इसको, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और इसका जो ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, चलिए देखते हैं। एक सपोज करिए, लड़के होते हैं कुछ, वो क्या बोलते हैं कि प्रभु कॉलेज में जन्नत है, ठीक है, और एक लड़का बोलता है अगर कॉलेज नहीं मिला तो उसको सदमा लग जाएगा, मतलब दूसरे लड़के के बारे में बोलता है कि प्रभु कॉलेज में जन्नत है, ठीक है, और अगर कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा, उसको सदमा लग जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, चलिए देखते हैं, प्रभु से देखिए, यहाँ पे पी से पी और बी से बीन, और कॉलेज सी ओ एल एल ई जी, कॉलेज में सी और जी से क्या बन रहा है, केशिया और गुलमोहर, और में जन्नत है, जन्नत से क्या बन रहा है, जेड से क्या बन रहा है, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला उसने, वो गॉड को प्रे कर रहा है, तो उसने क्या बोला, अगर उसे कॉलेज नहीं मिला तो, अगर उस लड़के को कॉलेज नहीं मिला तो उसे क्या होगा, सदमा लग जाएगा, सी डी एम ए, ठीक है, सदमा लगेगा। और सदमे में क्या है, सी से चिली, डी से डटूरा ततूरा, और एम से मस्टर्ड, और ए से क्या है हमारी, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, तो जाइगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक, ये था हमारा ट्रिक छोटा सा, आई होप आपको समझ आ गया होगा।